हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट, तो आप लोग के सेकेंड टर्मिनल का एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए मातृभाषा यानी हिंदी का पेपर लेकर के आ चुका हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर यह वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि इस बार आप लोग का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा टोटल 60, जिसमें से मात्र आपको 50 का आंसर करना है। 50 का आपको मात्र आंसर करना है। और अगर सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो उसमें 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 5 का आपको आंसर करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर के चिलम कौन पीता था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंशी जी। अगला है यहाँ पे, किस सदी में चीनी यात्री फाहयान नालंदा आए थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 6वीं सदी में। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जनता के उदार दान से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, वियोग किस लेखक के प्रसिद्ध गद्य काव्यांश है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अगला हम लोग देखेंगे तो वियुक्ति का क्या अर्थ होता है? तो लुप्त। अगला हम लोग देखेंगे, लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रामीण परिवेश की। अगला है, बागर कौन था? तो एक तरह से बकरा था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टीवेंसन ने। अगला है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र थे? तो सर आरपी प्रांजपे। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कब हुआ था? तो ये हो जाएगा लकड़ी 1931 के आसपास, लेकिन यहाँ लकड़ी ना होकर के सन होना चाहिए, सन 1931 के आसपास। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, भारत की पुरातन विद्यापीठ शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी निबंध। अगला है, आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुपम मिश्र। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो टॉलस्टॉय की मृत्यु, माँ की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब वह मात्र 3 वर्ष के थे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे टॉलस्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेड़ की छाया में। अगला है, उलुंग का अर्थ क्या होता है? तो उलुंग का अर्थ होता है आपका नीचा। अगला हम लोग देखेंगे तो भूगोल की किताब किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जैसलमेर को। अगला है, जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन को हम लोग ने छोड़ दिया है। अगला हम लोग देखेंगे तो कल्पना शक्ति अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कल्पना शक्ति की। अगला है, अस्पर्शीय का क्या अर्थ होता है? इसका होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न छूने योग्य। अगला है, चारा मशीन से कलाई कट गई सोने लाल को किसने कहा? तो ये हो जाएगा आपका किससे कहा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर से। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका मैंने आंसर छोड़ दिया। अगला, शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करती है? तो शिक्षा प्रणाली की। अगला है, रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है? तो गुरु ग्रंथ साहब में। अगला है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति डैश तो बड़े दिन राती। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है हम लोग का, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। अगला है, पलक पावड़े शीर्षक कविता में सूरज क्या लिए निकल रहा है? तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोली भरी थारी। अगला है, सुनहरी चादरें कहाँ बिछी है? तो आसमान में। और 29वां है, यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। आप लोग को मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यह जो वीडियो है वो ओरिजिनल पेपर का नहीं है, ओरिजिनल पेपर एग्जाम से पहले आप लोग को मिल जाएगा। और ओरिजिनल पेपर पाने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।